नालंदा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई में कतरीसराय थाना क्षेत्र से एक साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देशी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस और साइबर ठगी में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों के साथ 3,300 रुपए की नकदी बरामद की गई है। राजगीर DSP सुशील कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, ये गिरोह विज्ञापन, चेहरा पहचानने और लोन के प्रलोभन देकर आम लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर राजगीर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया। सराय में साइबर का गिरोह सक्रिय है, जो इंस्टेंट लोन देने के नाम पे, पर्सनल लोन देने के नाम पे और विभिन्न तरह से कस्टमर्स को झांसे में फंसाता था और उनसे साइबर ठगी करता था। तो पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई है और मेरे निर्देश पे, मेरे नेतृत्व में गठित की गई है और कल सुबह 5 बजे के करीब हम लोग को पता चला कि उस गिरोह के कुछ सदस्य जो हैं वो हथियार रखे हुए हैं और वो भागने की फिराक में हैं, कोई और अपराध को पारित करने का ऐसा हम लोग को संभावना हुई और सूचना मिली। क्या क्या पकड़ा गया? तो फिर वही छापेमारी की गई जिसमें कतरीसराय थाना के साथ साथ गिरियक और पावापुरी थाना की भी टीम गई और बेहद पैमाने पर छापेमारी की गई। रसलपुर गांव जो कि थाना से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और उस गांव में जो ये लोग हैं, संजय कुमार, पिता रामकुसुम रविदास, शैलेंद्र कुमार, सतिंदर रविदास, नंदन कुमार, रामनंदन कुमार, धर्मेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार धारोल डीजे और एक और है मंटू कुमार उल, उनका करीब 35 वर्ष है। तो ये लोग पकड़े गए पहले से इनका